रखना चाहिए। तो आपको अब तक 4 स्टॉक्स बेहतरीन पता चल चुके हैं, अभी 16 स्टॉक्स और बाकी है, फटाफट इसको शुरू करते हैं। विकास जी, अगला दूसरा स्टॉक आपका टॉप 2। बिल्कुल नीरज, जो दूसरा स्टॉक है मेरा वो है फार्मा कंपनी है, एक बहुत ही शानदार स्टॉक है बायोकॉन। मुझे लगता है ये कंपनी भी एक ट्रिमेंडस पोटेंशियल वाली कंपनी है। ये ऑन्कोलॉजी, फिर आपके डायबिटीज़ की ड्रग्स बनाती है, बायोसिमिलर्स के कारोबार में दुनिया की एक लीडिंग कंपनी है, जो कि जितनी भी लीडिंग फार्मा कंपनीज है उनको सप्लाईज करती है। और जो हाल ही में नतीजे आए थे, नतीजे बेहद ही शानदार थे, और स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है इस जो मार्केट में, ये स्टॉक फिर भी थोड़ा स्टेबल था। हालांकि आज ये भी निचले लेवल पे 240 तक के लेवल्स पे आ गया था, और वहाँ से एक शार्प रिवर्सल होकर 288 के आसपास बंद हुआ है। बट मुझे लगता है इस स्टॉक में भी लंबी अवधि के लिहाज से बिल्कुल स्टैगर्ड रूप में खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इस स्टॉक में एक साल का लक्ष्य रहेगा 400 रुपये का। पिछले 3 महीने में सिर्फ 1.5% गिरा सर ये, और परसों ही खबर आई कि सनोफी के साथ वो मुकदमा भी जीत गए जिसको US में ये दवा लॉन्च करने वाले हैं। तो एक बायोकॉन बेहतरीन फार्मा कंपनी जिसमें आप निबलिंग करें, छोटे छोटे निवेश शुरू कर दें, अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इसमें लगाएं तो आगे बहुत फायदा होगा। और फार्मा वैसे भी इस जमाने की नई थीम है, जहाँ जब कोरोना वगैरह आते हैं तो फार्मा कंपनियों का वैसे ही बिजनेस बढ़ता है। तो ये आपके लिए एक नया स्टॉक बायोकॉन में आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। राजेश जी, आपका टॉप 2। देखिए, टॉप 2 में अगर कहूँ तो HDFC रहेगी, क्योंकि जिस तरह की NBFC क्राइसिस हमने ILFS के बाद देखी, उसके बाद लोगों का रुझान अच्छी क्वालिटी की NBFCs की तरफ गया, जिससे कि HDFC में जो इनके फंड्स आते हैं उनकी कॉस्ट कम होती गई। दूसरे अगर आप देखें तो हाउसिंग फाइनेंस में देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इस तिमाही में नतीजे बहुत शानदार आए थे। हालांकि बॉटम लाइन जो 300% के आसपास बढ़त दिखाई गई थी वो मर्जर के वैल्यूशन के कारण से आई थी, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हमने 9% की बढ़त देखी। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, और सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो इनकी जो सब्सिडरीज हैं, फिर वो चाहे HDFC लाइफ हो, AMC हो, या अनलिस्टेड में SDB फाइनेंशियल और दूसरी कंपनी HDB सिक्योरिटीज वगैरह जो हैं, उन सब की वैल्यूशन ली जाए तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल बनता है। उनका जब IPO आएगा तो एक अलग से ट्रिगर हो सकता है। इस वक्त हालांकि ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, फिर भी वैल्यूएशन के लिहाज से भी मैं कहूँ तो यहाँ से मौजूदा स्तर से कम 40-45% की बढ़त आने वाले 1.5 से 2 साल में हो सकती है। 6 महीने में हम करीब करीब समझिए 2400 के 2450 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। राजा जी, ये वाले स्टॉक्स नीचे मिलते क्यों नहीं? आज का अगर आप प्राइस देखें तो इसने 1700 का लो बनाया, उसके बाद 10% ऊपर गया। ये अच्छे स्टॉक्स, जबकि रियल एस्टेट में इतनी दिक्कत दिखती है, सब कुछ अच्छी दिक्कत, लेकिन ये सब स्टॉक हाथ नहीं आते, ऐसा क्या जादू क्या है इसमें? देखिए, जादू क्वालिटी का है। मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि आपको क्वालिटी के साथ ही रहना चाहिए। भले आपके रिटर्न्स 15-20-25% ही सालाना पड़े, आप 100% के रिटर्न के पीछे ना भागें। क्वालिटी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, फिर वो चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हो, मैनेजमेंट की हो, या अर्निंग्स की हो। और तीनों ही पायदान पे HDFC सबसे उम्दा कंपनी बैठती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल वही बात है जो इसे लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए शय देती है। बिल्कुल, और इनकी एक सब्सिडरी है HDFC क्रेडिटा, जो एजुकेशन लोन देती है और बेस्ट कंपनी है। वो लिस्टेड नहीं इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप उसमें इसकी वेबसाइट में जाकर उसके देखे पढ़े, टॉप कंपनी है, उसके NPAs बिल्कुल नेगलिजिबल है, वैसे भी एजुकेशन लोन में कम होते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बेहतरीन कंपनी इन्होंने एक अपने अंदर छुपा रखी है। HDFC क्रेडिटा की बात मैं कर रहा हूँ, शानदार कंपनी है, और उसमें आगे जाते हुए मुझे नहीं पता, हो सकता कभी आगे वैल्यू अनलॉकिंग हो तो एक और टॉप कंपनी आपको इसी की पोर्टफोलियो में मिलती दिखेगी। पंकज जी, आपका अगला स्टॉक। नीरज, अगला मेरा पिक रहेगा TCS। IT में दिग्गज कंपनी है, सबसे ज्यादा देश की मार्केट कैप है, और हमने देखा है डिसेंट सी करेक्शन भी आई है इसमें। अभी रिसेंटली 2200 के आसपास का इसने रिसेंट हाई बनाए थे, अपने 52 वीक हाई बनाए थे, और वहाँ से काफ़ी डिसेंट करेक्शन आ गई है। और हमने देखा था इवन बिफोर कोरोना थोड़ी सी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली थी, इसमें थोड़ी सी सेलिंग के रुख आए थे। एक शुरू में पहले शाहपुर जी पालन जी ग्रुप से आए थे, दे हैड टू सेटल सम ड्यूज, उसकी वजह से उसमें हमने सेलिंग देखी थी, और बीच में कुछ ऐसी भी अटकेली थी, शायद टाटा ग्रुप से भी कुछ, एक पेरेंट ग्रुप से कुछ इसमें सेलिंग है बिकॉज ऑफ दिस टेलीकॉम ड्यूज। पर ये जो कोरोना का इफेक्ट आया उसमें हमने देखा कि काफी एक सीरियस करेक्शन देखने को मिली। जो ट्रैवल बैन जो पूरे ग्लोब में एक तरह से लग गया है, इससे माना जा रहा है कि एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म हिकअप मिलना चाहिए। ठीक है, मिलेगा भी, बट आई थिंक अगेन हम इस 99% सिनेरियो पे मान के चल रहे हैं कि थिंग्स शुड इवन आउट एंड सेटल डाउन सून। मैनेजमेंट इंपेकेबल है, ग्रोथ वो काफी स्ट्रांग है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डॉलर अब दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता जा रहा है, और जो एक प्रोजेक्शन आ रही है कि आने वाले वक्त में यहां से भी 3-4% ऊपर जाके डॉलर रुपी सिनेरियो हो सकता है अगले 1-2 क्वार्टर में। सो ऑल इन ऑल आई थिंक सारी प्रोजेक्शंस पॉजिटिविटी की तरफ है, एंड जो इस सिनेरियो में जो करेक्शन देखने को मिली, आई थिंक
थिंक दिस इज अ वेरी डिसेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट सुपर गुड आईटी स्टॉक. टीसीएस है इसमें, शायद इंफोसिस भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएगा, बट अभी हम चर्चा टीसीएस की कर रहे हैं. सो एक टीसीएस मेरा एक टॉप सेकंड पिक रहेगा टू एक्यूमुलेट ऑन द फॉलोइंग. बिल्कुल, एक बेहतरीन टॉपिक टीसीएस है. आईटी का लीडर है और उसके साथ आपको रहना चाहिए. काफी इस समय करेक्शन दिखाया उसने, ये मौके फायदा उठाना चाहिए. मरे जयसी जी, आपका अगला स्टॉक. अगला स्टॉक जो है बजाज फाइनेंस, और तगड़ी फ्रेंचाइज है एनबीएफसी यूनिवर्स में. क्रेडिट रिस्क कवरेज जो हम देख रहे हैं येस बैंक फिएस्को के बाद, मुझे लगता है क्वालिटी फ्रेंचाइजेज लाइक बजाज फाइनेंस विल स्टिल होल्ड आउट. और नंबर्स आई थिंक इसको सपोर्ट करते हैं. जो ईएम ग्रोथ है हमें अभी भी लगती है 30% के ऊपर आनी चाहिए अगले कुछ वर्षों के लिए. जो एनआईए ग्रोथ है वो 25% के ऊपर आनी चाहिए और साफ दर्शाया जाता है एसेट क्वालिटी को लेकर. तो इवन जीएनपीएस एनपीएस 1.6 और 0.5-0.6 के रेंज में है. थोड़े स्लिपेजेस पिछले तिमाही में बढ़े थे, पर कहीं ना कहीं आई थिंक प्रोविजनिंग इनकी जो एक्सेस की है ये इनको प्रोटेक्ट करेगी. और रिटर्न रेशियोज काफी तगड़े हैं, 4% एंड 21% आरओए और आरओई के हिसाब से, और मार्जिन 10.5% के आसपास है, क्योंकि डिवर्सिफाइड बोरोइंग इसको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करती है. क्रॉस सेलिंग क्योंकि इसका कस्टमर बेस इतना ह्यूज है, मुझे लगता है बहुत अपॉर्चुनिटीज देगा. तो मुझे लगता है आई थिंक बजाज फाइनेंस एक बहुत चुनिंदा पिक होगा. मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आई थिंक थोड़े रैलीज पे लें, बट इसका लॉजिक यही है कि जो रेजिस्टेंसेस ये स्टॉक ने पिछले टाइम फेस किए थे, ये रेजिस्टेंस को आई थिंक 4350 को अगर निकाल देगा तो ओवर द नेक्स्ट टू डेज जैसे मार्केट्स पॉजिटिव मोमेंटम पर, स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम पर रहेगा, निवेशक बिल्कुल ये लेवल्स क्रॉस करने के बाद ले सकते हैं. और हाल ही में इसने 5000 का स्तर देखा था और इस समय ये 3952 पे ट्रेड कर रहा है और आज इसने 3400 का ले देखा. आप देखिए इस तरीके के मौके आपको मिले. अब देखिए 500 का ऊपर हो गया, हालांकि उसमें आप कोई भी नहीं खरीद सकता. जो लो इसने बनाया था वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ था, लेकिन अपॉर्चुनिटी आप देखिए कितनी, अभी भी ये हाई से बहुत नीचे हाँ ट्रेड कर रहा है.